नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप जो ये खूबसूरत से फूल देख रहे हैं कई रंगों के, इसका नाम बटन डेजी है। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन सभी पौधों को हम नर्सरी से खरीद कर लाए हैं। अब हम इन्हें अपने इन पॉट में लगाएंगे। ये जो गमले रखे हुए हैं साइड में, कुछ गमले हम नए भी खरीद रखे हैं और कुछ पुराने हैं, तो उन्हीं गमलों में हम इन सब पौधों को लगाएंगे एक साथ, अलग अलग गमलों में। ये देखिए दोस्तों, पहले गमले के छेद में थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रख दें और उसके बाद मिट्टी को रखकर हल्के से दबा दें। उसके बाद फिर थोड़ी और मिट्टी डालकर फिर इन पौधों को इसी तरह से लगा दें जैसा कि हम लगा रहे हैं। पीली पत्तियों को निकाल देंगे और फिर इस पौधे को हम इस पन्नी से बाहर निकाल कर इसी तरह से अब हम इसको इस गमले में लगाएंगे। ये देखिए, और फिर साइड से और मिट्टी डालकर इनको हल्के से दबा देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा इनमें और मिट्टी डालकर ऊपर तक सही ढंग से भर देंगे पौधों को, ताकि जड़ बाहर ना दिखे। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी जड़ें निकल आई हैं इन पौधों में साइड से। अगर आप इसको तोड़कर किसी दूसरे गमले में भी लगा दें, तब इसका और भी पौधा तैयार हो जाएगा जैसा आप देख रहे हैं। ये कटिंग से भी हो जाता है। ये इनकी जड़ें निकली हुई हैं, ये देखिए ये जड़ है इसकी। इसी को आप इनकी टहनियों को, ब्रांच को अलग अलग तोड़कर और भी गमले तैयार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो आप इसी तरह एक साथ ही इनको गमले में लगा सकते हैं जैसा कि मैंने लगाया है। उससे ये घने भी रहेंगे और फूल भी खूब सारे खिलेंगे एक ही साथ एक गमले में, वो दिखने में भी बहुत अच्छे दिखेंगे जैसा आप देख रहे हो। और लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें इनमें, इनके गमलों में इसी तरह से। आज हमारे यहाँ थोड़ा बारिश हो गई थी, इसलिए मिट्टी थोड़ी गीली थी गमलों की, इसलिए थोड़ा लगाने में इनमें दिक्कत हुई है। अगर मिट्टी सूखी होती तो बहुत अच्छे से लग जाती है, अच्छे तरीके से इसमें खाद वगैरह भी मिक्स हो जाते हैं, और थोड़ा गीली मिट्टी में दिक्कत होती है, तभी मैंने इन सब में लगा दिए हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों, अब ये गमले सूख चुके हैं एक हफ्ते बाद, काफ़ी सूख गई है इसकी मिट्टी भी और गमले भी। तो हम ये जो नए गमले लेकर आए हैं, अब हम इनमें पेंटिंग कर देंगे इन गमलों की, सब में कलर कर देंगे। इससे इनकी सुंदरता और बढ़ जाएगी, दिखने में और भी अच्छे दिखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। हम इन सभी गमलों में कलर कर रहे हैं इन गमलों के इसी तरह से। आप भी, अगर आपके पास आप भी नए गमले खरीद कर लाए हैं, तो आप भी इस तरह से इन सभी गमलों को पेंट कर सकते हैं जैसे मैंने किया हूँ सभी गमलों की। ये देखिए, पेंट करने के बाद इनकी चमक और बढ़ जाती है, इन गमलों की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, पहले से अब कितने सुंदर दिख रहे हैं और मजबूत भी हो जाते हैं। पेंट करने से गमले की मजबूताई बढ़ जाती है। ये देखिए, हमने इन सभी गमलों की पुताई कर चुके हैं लगभग। ये अपेक्स के कलर हैं जो हमने बाजार से खरीद कर लाया है। ये पानी से भी नहीं छूटता इसका रंग, एक बार सूख जाए तो इसमें कितना भी पानी डालो इसका कलर नहीं छूटता, और गमलों में काई भी नहीं पड़ती, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक ये गमले ऐसे ही रहेंगे, इनके कलर नहीं छूटते।
दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये देखिए, हमने इन सभी गमलों की पेंटिंग कर दी है अपने सभी गमलों में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।